आगे बढ़ेंगे, चिन्मयानंद यौन शोषण मामले को लेकर न्याय पदयात्रा निकाले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधानमंडल में कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू, विधायक आराधना मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुष्मिता देव, रोहित चौधरी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को हाउस अरेस्ट किया गया। दरअसल चिन्मयानंद यौन शोषण प्रकरण के बहाने कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर यूपी कांग्रेस आज से छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरी है। इससे पहले ही यूपी पुलिस ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया है। उनके घरों को बाहर पुलिस तैनात है। शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर लगे टेंट को भी उखाड़ फेंका। हालांकि कांग्रेसी अभी भी न्याय पदयात्रा को लेकर डटे हैं, किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या उसे आप लोग ऐसे कुचल देंगे क्या? बड़े नेता तो ठीक है, यहाँ कौन सी आप नहीं, ये बताइए पीड़िता के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसको आवाज उठाएंगे कोई? आप तो समझ रहे हैं कि यहाँ कौन सा तरहटी हो या नजरबंद किया हो कश्मीर में? यहाँ तो हम अपना एक पीड़िता है और उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा होगी। हम लड़े हैं और लड़ेंगे, शाहजहांपुर की बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। परिणाम जो भी हो, जेल की दीवारें हमारे मजबूत इरादों को नहीं डिगा सकती। हम निश्चित शाहजहांपुर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। परिणाम जो भी हो, एक बार नहीं एक हजार बार भी जेल जाना पड़े फिर भी परवाह नहीं होगा। हम अंतिम सांस तक शाहजहांपुर की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर वो कदम उठाने का काम करेंगे जिससे उस बेटी को न्याय मिल सके। चिन्मयानंद को मदद करने के लिए जिस तरह से एक उसके ऊपर अभी तक बलात्कार का मुकदमा नहीं दर्ज कर पाई है, दूसरी तरफ वही पुलिस आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शाहजहांपुर जाने के लिए बलपूर्वक रोक रही है। हम सब, मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष सुष्मिता देव जी हैं, हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन चित्रिया जी हैं, हम सब लोग को आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर बलपूर्वक पुलिस ने रोका है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और सुभाष राय जो प्रत्याशी हैं उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जरा सुनिए पूरी बातचीत। पार्टी के इस उपचुनाव में प्रत्याशी सुभाष राय जी हैं, तो 280 विधानसभा जलालपुर अंबेडकर नगर में प्रत्याशी बनाए गए हैं। राय साहब, पहले भी आप प्रत्याशी बनाए गए थे लेकिन पार्टी ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन लगातार आप वहाँ प्रयासरत रहे और जनता के बीच में रहे, तो क्या ये माना जाए कि यही सब उपलब्धियाँ रही समाजवादी पार्टी ने आपको चुनाव में उतारा है वहाँ से? जी निश्चित ही, मुझे 280 विधानसभा जलालपुर से 2012 में प्रत्याशी बनाया गया था। मैं लगभग 7 महीने प्रत्याशी था, उसके बाद मेरा टिकट काट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मैं ईमानदारी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी का काम करता रहा। और फिर मुझे 2017 में प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मेरा टिकट फिर काट दिया गया। उसके बाद भी मैं ईमानदारी से पार्टी में बना रहा, और जिसके नाते मेरे पक्ष में जनता में अपार सहानुभूति है, और मेरे समर्पण को देखते हुए मुझे पार्टी ने फिर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का काम किया। राय साहब, तमाम बार ये भी आरोप लगते रहते हैं जातिगत समीकरण को देख के टिकट दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जलालपुर में अगर देखा जाए तो राय साहब की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पर क्या कहना? वैसे तो फिलहाल हम लोग राय है मेरी जात बिरादरी, उसे हम लोग तो आते हैं ब्राह्मण में ही, भूमिहार ब्राह्मण ही कहलाता है, लेकिन यहाँ बहुत लोग समझते नहीं हैं, हम लोग मात्र दो घर हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं किया, मैं हमेशा जात धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करता हूँ, जिसके नाते मैं 4 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य रहा, 1995 से लेकर 2015 तक, और एक बार तो हम दोनों भाई अगल बगल से जीते थे, एक साथ जीते थे, और मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था 2007 में, मुझे लगभग 19,000 वोट मिले थे विधानसभा में, तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार मैं जनता के भरोसा और पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं निश्चित है सीट जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में रखने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए 280 विधानसभा जलालपुर के प्रत्याशी सुभाष राय जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनता के बीच हम रहते हैं और कहीं ना कहीं जनता का ही स्नेह है और उनके आशीर्वाद से हम जीत करेंगे। कैमरामैन पॉइंट के साथ उमेश मित्रा, लाइव टुडे, लखनऊ।